हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे थ्री फेस कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसके अंदर कनेक्शन पॉइंट कितने होते हैं, कौन से पॉइंट में कौन सा वायर का कनेक्शन किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ए टू जेड कम्प्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि ये हमारा कॉन्टैक्टर है और कॉन्टैक्टर के अंदर क्या होता है, जो थ्री फेस कॉन्टैक्टर होता है उसके अंदर जो कनेक्शन करने का टोटल पॉइंट होता है वो हमारा 10 पॉइंट होता है। जैसे चार पॉइंट ये हो गया, चार पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट ये हो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दो पॉइंट है ये कॉइल का पॉइंट है, इसके अंदर कॉइल लगा हुआ है। तो ये दो और होता है जो नीचे के साइड होता है। आप इस साइड कनेक्शन कीजिए या इस साइड कनेक्शन कीजिए, ये आपस में लूप होता है। जिधर वायर इजी होता है, यानी जिधर से वायर हमारा चला जाए, कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं हो, उधर से कर लिया जाता है। चाहे इस दोनों पॉइंट को यूज किया जाए या इस दोनों पॉइंट को यूज किया जाए। तो ये क्वाइल का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, किसी एक साइड से आप इनपुट ले सकते हैं, किसी एक साइड से आउटपुट कर सकते हैं। ज्यादातर होता क्या है, इस साइड से इनपुट लिया जाता है और इस साइड से आउटपुट लिया जाता है, लेकिन इस साइड से भी इनपुट किया जा सकता है और इस साइड से आउटपुट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए हम आपको कनेक्शन करके इसका दिखलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे दो पुश बटन। ये पुश बटन है, एक हमारा ग्रीन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक हमारा रेड है जिसे हम लोग स्टॉप करते हैं। यानी हम जब इसे ऑन करेंगे, ये जब ग्रीन हम दबाएंगे तो इसके अंदर जो क्वाइल है उसके अंदर पावर सप्लाई चला जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। अब जब इसे दबाएंगे तो ये क्या करेगा, आपको ऑफ कर देगा पावर सप्लाई, कटिंग कर देगा क्वाइल का, यानी कट कर देगा, ऑफ कर देगा, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ कर देगा और ये जो पावर सप्लाई आउट कर रहा है वो आउट नहीं करेगा, ठीक है। तब इसका कनेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं तीन वायर। यहाँ पे ये तीन वायर है हमारा R, Y, B, यानी रेड है, येलो है, ब्लू है, ये तीनों फेस है। इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ फेस का कनेक्शन होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट में इस तरह से हम कनेक्शन यहाँ पे कर लेने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया। उसके बाद एक छोटा सा वायर लेंगे जैसे ये, और क्या करेंगे, ब्लू से लेकर के ये जो पॉइंट खाली है इसके अंदर हम कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। इसके अंदर हम इसको डाल करके अच्छी तरह से कनेक्शन कर देते हैं। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो पुश बटन है हमारा ऑन का ऑफ का, एक एक वायर लेंगे। जैसे एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, और उसके बाद इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और इसके बाद इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन करेंगे इसके अंदर, इसके सामने, ध्यान रहे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है रेड कलर का, यानी जो ऑफ कीजिएगा, इसको क्या करेंगे, एक पॉइंट को जो खाली हमारा बच रहा है इसको क्वाइल के अंदर कनेक्शन कर लेंगे किसी एक पॉइंट में। जैसे दो पॉइंट है क्वाइल का, तो किसी एक पॉइंट में क्या करेंगे, क्वाइल के अंदर कनेक्शन कर लेंगे, जैसे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है हमारा ऑन का, इस पुश बटन को लेंगे और एक वायर जो बच रहा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे जो ये पॉइंट है इस वायर के साथ, इसको क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे, और जोड़ करके इसको क्या करेंगे, इसके अंदर फिर डालेंगे और इसी के अंदर इसका कनेक्शन हम कर लेंगे। तो ये जो है हमारा ऑन का जो स्विच है, पुश बटन, उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक वायर का हम यहाँ पे टुकड़ा लेंगे
और यहाँ रेड से लेकर के एक क्वाइल के अंदर कनेक्शन करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान में रखेंगे, किसी भी तरह से कोई भी वायर लूज नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अगर आप कनेक्शन कर रहे हैं कोई भी, चाहे कॉन्टेक्टर हो या कहीं पे भी, हम हर वीडियो में बार बार बोलते हैं वायर किसी भी तरह से लूजिंग नहीं होना चाहिए, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और हर वायर को टाइट फुल कसिएगा, किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। लूज रहेगा तो हीट होगा, हीट होगा तो गर्म होकर वो ऑटोमेटिक जहाँ पे पॉइंट है वो खराब होगा ही। ये हमारा कनेक्शन हो गया, जैसे पुश बटन का हो गया हमारा, ऑफ का, ऑन का, कॉन्टेक्टर का। अब यहाँ से आउटपुट, अब देखिए आउटपुट क्या होता है, यहाँ से आपको तीन फेस लेकर के चले जाना है मोटर में। जो मोटर होता है थ्री फेस का, उस मोटर के अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ तीन फेस का कनेक्शन होता है, तीन फेस से चलता है। जहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन होता है उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है हीटिंग का, जिससे क्या होता है वो गर्म होता है, एक तरह से कह सकते हैं हीटर क्वाइल लगा हुआ रहता है। कभी मोटर के अंदर नमी आ जाता है तो वो सुखाने के लिए, तो वो बिल्कुल इस कॉन्टेक्टर के थ्रू कनेक्शन नहीं होता है, उसका अलग से पावर सप्लाई जाता है। बहुत से मोटर में आपका लगा हुआ रहता है टेम्परेचर, जैसे कि थर्मोस्टेट जिससे ट्रिप कर जाए मोटर हीट होने के बाद। तो जैसे कि एक वीडियो मैंने ये बनाया हुआ है और इसमें मैंने दिखलाया हुआ है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने ये दिखलाया हुआ है थ्री फेस मोटर में कैसे कनेक्शन करते हैं, लगा करके प्रैक्टिकल हमने दिखलाया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन बल्ब लेते हैं और तीन बल्ब का यहाँ पे कनेक्शन करके हम आपको चेक करके दिखला देते हैं। जैसे ये तीन हो गया हमारा बल्ब, अब तीन बल्ब को यहाँ पे क्या करेंगे हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तो हमने लूप कर दिया है एक एक पॉइंट तीन बल्ब का यानी होल्डर का, और एक एक पॉइंट हमारा निकल गया है। अब यहाँ पे हम तीनों वायर को लेकर के कनेक्शन कर देते हैं आर वाई बी सीरियल तरीका से। यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे और हम आपको चेक करके दिखलाएंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इसके अंदर पावर सप्लाई देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं। अब इसके अंदर हम पावर सप्लाई दे दिए हैं, आपको ध्यान देना है इस बल्ब के ऊपर और इस बटन को हम दबा रहे हैं, जैसे ऑन का ग्रीन वाला स्विच यहाँ पे देखिए, जैसे इसे दबाएंगे तो देखिए ऑन हो गया और ये आवाज भी कर रहा है क्योंकि इसका क्वाइल आवाज कर रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसे स्टॉप करते हैं, ये स्टॉप हो गया यानी बंद हो गया। अगर आपको मोटर में देखना है कि मोटर में कैसे कनेक्शन होता है तो इसका ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।